नो मैम. ओके ठीक है. तो हम किसी को कुछ कहना है, किसी बच्चे को, प्रनिल को कुछ कहना है क्या? प्रनिल क्या खा रहा है अकेले अकेले, हमें नहीं खिला रहा सब बच्चों को क्लास के. क्या खा रहे हो प्रनिल? हाँ प्रनिल का टूथ भी चला गया, सामने वाला नहीं दिख रहा, कहाँ गया वो? सब लोग ऐसे स्माइल करो, मुझे देखना किसके किसके टूथ नहीं है. देखो कर्णिका के तो लाइन से नहीं, 3-4 टूथ नहीं है, ये सबके दिख रहे हैं मुझे अभी. और ये हाँ प्रद्युत का भी दिख गया है, और आश्रय का नहीं दिख रहा. आश्रय स्माइल करो, सबने ब्रश किया है ना, दिखाओ मुझे अच्छे से टूथ साफ. आप सबके टूथ साफ हुए हैं कि नहीं? यस हाँ. कनिष्का का नहीं दिख रहा, कनिष्का फिर से दिखाओ. ई करो, ई. हाँ बेटा यस कर लूंगा, बोलो. मेरे दो तीन चार थोड़े थोड़े आ भी रहे हैं मेरे ना, हाँ दिख रहे हैं, वो आ रहे हैं, आ जाए. फिर आ गए वापिस से. तू मैम ये देखो मेरे थोड़ा हाँ सबके आ जाएंगे, डोंट वरी. टूट ओके टूट जाएंगे, उसके नोट पूरा फिर टूट जाएंगे और इसके आ जाएंगे. हेलो साईराम की आंशी, चलो अब क्लास करते हैं. सब लोग माइक ऑफ कर दीजिए. गुड चिल्ड्रन, राइट? वेरी नाइस. यस साईराम आदित्य राहुल. चलो क्लोज द माइक नाउ. सो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट टूथ, राइट? सबके हमने टूथ देखे, सबने ब्रश भी किया था, तो बहुत अच्छा लगा. सबके टूथ इतने शाइन कर रहे हैं, एक दो टूथ चले गए किसी किसी के, बाकी जो बचे हुए टीथ हैं वो बहुत शाइन कर रहे हैं, इतने शाइन कर रहे हैं तो लग रहा है कि वाओ वाइट बिल्कुल. इसका मतलब आप 2 टाइम्स ब्रश करते ही हो. सब लोग करते हैं, कौन कौन करता है? रेज योर हैंड. हाउ मेनी ऑफ यू ब्रश योर टीथ ट्वाइस, 2 टाइम्स? वेरी गुड, सारे बच्चे करते हैं. दक्ष ने नहीं रेज किया हैंड, और आरव ने. प्रनिल माइक ऑफ कर लो बेटा, कहीं से साउंड आ रहा है. प्रनिल गुड बॉय. यस अभी भी नहीं हुआ प्रनिल, माइक ऑफ नहीं हुआ बेटा, करिए अच्छे से. हाँ राइट. और किसका ऑन है? साउंड आ रहा है क्योंकि बहुत तेज है. एक मिनट मैं देखती हूँ. किसका माइक ऑन है? इतनी जोर से साउंड आ रहा है, सभी का ऑफ है. मेरे लैपटॉप से आ रहा है. ओके सो राइट, अभी ठीक हो गया, वेरी गुड. फिर से आने लगा. ओके चलो ठीक है, हम अपना क्लास शुरू करें अभी. सी चिल्ड्रन, वी हैव रिवाइज्ड ऑल 5 लेसन्स, है ना? लेसन 1 से लेसन 5 तक हमारे एग्जाम में आएगा और हमने सारे रिवाइज कर लिए हैं, ठीक है? आज हम क्या करेंगे, जो जो उसमें से आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है वो हम फिर से एक बार रिवाइज कर लेंगे, फाइनल रिविजन हो जाएगा हमारा, ठीक है? ओके अच्छा ये कौन है? जे जे फॉर जय. अच्छा राइट जय, कैमरा ऑन. ओके सो लेट मी प्रेजेंट माय स्क्रीन चिल्ड्रन. Yes, so I'll present my screen and we will revise, okay? और मैम जिससे पूछेगी, जिसका नाम लेगी, वही आंसर करेगा फर्स्ट, है ना? ये तो सब बच्चों को पता है, सारे बच्चों को पता है. ओके राइट सो लेट मी शेयर इट.
So in patterns, children, question may come for alphabet pattern and for number pattern, right? Alphabets वाले A B C D patterns भी आ सकते हैं आपको, और क्या आ सकता है? Numbers pattern भी आ सकते हैं. Suppose 1 2 3 1 2 3 1 2 3, फिर next आपको करना होगा. तो आप क्या करोगे? 1 2 3 आ जाएगा. तो पहले आपको ध्यान से देखना कौन सा pattern है. तो चलो आज हम उसके लिए कुछ वर्कशीट कर लेते हैं. आपको दिख रही है स्क्रीन प्रद्युत? साई बाबा दिख रहे बेटा? यस मैम. दिख रहे हैं साई बाबा? यस मैम. किसको नहीं? कर्णिका को नहीं? यस मैम. मैम चलो मैम, मुझे भी नहीं दिख रहा. अच्छा ठीक है, 2 मिनट वेट कर लो. जिसको जिसको नहीं दिख रहा है ना, वो वेट कर लीजिए, क्योंकि एक बार नेटवर्क अगर स्लो तो फिर आ जाते हैं, धीरे से आ जाते हैं थोड़ा लेकर, ठीक है? तो उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है. प्रद्युत आपको दिख रहे हैं साईं बाबा बेटा? प्रद्युत दिख रहा है. अच्छा आपको दिख रहे हैं, और किसको दिख रहे हैं? मैम मुझे भी दिख रहे हैं. मैम मुझे भी दिख रहे हैं. ओके ठीक है, सब लोग नहीं बोलेंगे ना, माइक नहीं खोलेंगे ना सब लोग? गुड गुड चिल्ड्रन है ना सारे? ऑल राइट बेटा, ऑल राइट. अनन्या बताएगी. अनन्या को दिखे कि नहीं दिखे? अनन्या को नहीं दिख रहे थे तो अनन्या आपको दिखने no, अच्छा एक काम करो अनन्या, no, एक बार अपना नेटवर्क चेक करो, नेट आ रहा है अच्छे से जहाँ पे आप बैठी हो, और या तो एक बार लीव करके फिर से ज्वाइन कर लो, ठीक है? कोई प्रॉब्लम नहीं. ओके बेटा चलो जल्दी से कर लो लीव करके. जिसको प्रॉब्लम आती ना, वो लीव करके फिर से ज्वाइन कर लिया करो. कई बार नेट थोड़ा सा, अभी वेदर ऐसा है ना, क्लाउडी है वेदर, तो इसीलिए नेट उतना स्पीड नहीं होती है कई बार, ठीक है? ओके चिल्ड्रन, सो फर्स्ट वर्कशीट इज, कैन यू सी द पेज प्रद्युत? दिख रहा है आपको एप्पल, चेरीज, सॉक्स, डाइस? यस मैम. ओके सो हियर वी हैव टू फाइंड आउट द पेयर. ओके एंड पेयर मींस टू, वन पेयर इज इक्वल टू टू, राइट? सो प्रद्युत कैन यू सी द फर्स्ट पिक्चर एंड काउंट हाउ मेनी पेयर्स ऑफ सॉक्स आर देयर? 1 2 3 4 5. Very nice, very good. After giving answer, you can mute your mic, Pradyut. Right, beta? Very good boy. Okay. So here we will write 5 pairs of socks. Right. Now, Karnika, open your mic, beta. Karnika? Yes. Can you see the dice? Can you see the dice with them? How many pairs are there? Karnika, how many pairs of dice are there? Then two. टू पेयर्स नहीं, देखो आप काउंट करो, टू होता है ना उसको हम वन बोलते हैं, ये और ये वन हो गए, तो आप फिर से काउंट करो. दिस इज वन, क्लियर नहीं चल रहा है, फोर बेटा क्लियर नहीं चमक रहा है, देखो टू टू है ना. क्या हुआ, नहीं दिख रहा आपको साफ? क्लियर नहीं दिख रहा? मोबाइल में अटेंड कर रही हूँ क्या करने का? यस मैम. अच्छा आपको नहीं आ रहा समझ में, ठीक है मैं किसी और से पूछ लेती हूँ, चलो कोई बात नहीं, ठीक है? नेक्स्ट पिक्चर आप बताना फिर. कौन बता? प्रनिल आपको दिख रहा है डाइस अच्छे से? प्रनिल यस मैम, आपको डाइस दिख रहे हैं? हाँ. देखो एक ये ऊपर की तरफ है, एक नीचे की तरफ है, तो हर एक लाइन में टू टू है, ठीक है? ये एक ऊपर है, हाँ. ये वाला देखो
और ये एक नीचे है उसके साथ, तो टू टू को पास पास में रखा गया है, तो कितने पेयर्स होंगे प्रनील हमारे पास? फोर। फोर पेयर्स। देखो देखो कर्णिका, ये आपको शायद अच्छे से दिखा नहीं होगा, ये एक है डाइस है ना, ये एक है पूरा और इसके नीचे एक ये रखा हुआ है, थोड़ा सा टिल्ट करके रखा हुआ है, राइट? सो ऐसे ही सारे रखे हुए हैं, तो दिस इज वन पेयर, दिस इज टू पेयर, दिस इज थ्री पेयर एंड दिस इज फोर पेयर्स, सो वी हैव फोर पेयर्स ऑफ डाइस। ओके प्रनील, माइक ऑफ कर लो बेटा, वेरी गुड। नाउ कर्णिका, आपको ये दिख रहे हैं चेरीज? चेरीज दिख रहे हैं? यस मैम। हाँ चलो इनको काउंट करके बताओ, हाउ मेनी चेरीज आर देयर? चलो नंबर्स बताओ आप मुझे, पेयर्स नहीं पूछा मैंने, हाउ मेनी चेरीज आर देयर? मैं 14। 14, वेरी गुड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, so see when we are asking how many numbers then you have to do counting, when we are asking how many pairs tab aapko kya karna hota hai, then you will count 2 is equal to 1, तब आप दो लोग दो चीजों को दो ऑब्जेक्ट्स को दो फ्रूट्स को वन काउंट करेंगे, पेयर्स काउंट करेंगे, ठीक है? सो इन 14 आदित्य साहू, इन 14 नंबर हाउ मेनी पेयर्स ऑफ चेरीज विल बी देयर? आदित्य साहू माइक ऑफ ऑन करिए। 7, वेरी गुड। सो वी नो दैट 2 7s are 14, राइट? और आप यहाँ पिक्चर्स दी हुई तो वैसे भी देख सकते हो, दिस इज वन पेयर, दिस इज टू पेयर, दिस इज थ्री पेयर, दिस इज फोर, दिस इज फाइव, दिस इज सिक्स एंड दिस इज 7 पेयर, सो वी हैव हियर 7 पेयर्स ऑफ चेरीज, वेरी गुड। ओके नाउ यशी, ओपन योर माइक बेटा। अभी तो आपसे क्वेश्चन पूछा ही नहीं मैंने, है ना? अभी तो मैं पूछ रही हूँ आप कैसी हो, हाउ आर यू? ओके बेटा, सो यशी कैन यू सी दीज स्लीपर्स, आपको दिख रही है स्लीपर्स? यस मैम। हाउ मेनी आर देयर, हाउ मेनी स्लीपर्स आर देयर? Four. Very good. Four are there. And how many pairs of sleeper are there? Sleepers? Two pairs, right? So this is one pair. Do ko mila ke one ho gaya. And this is number two pair. Very good. Okay. Close your mic and practice, right? Every day all have to practice these pairings. Kahi baar humko lagta hame aata hai, but fir hum choti choti silly mistakes kar dete hain. So practice every day at least 5 questions of pairing. Okay? Right. Now let me go back to Kritika. Kritika, open your mic, beta. Kritika. Yes, ma'am. Yes, beta. Can you see shoes? Yes, ma'am. How many pairs of shoes are there? Pairs बताना है आपको, ठीक है? और एक पिक्चर में टू है, ये जो एक पिक्चर है इसमें टू बने हुए हैं, अगर आपको अच्छे से नहीं दिख रहा तो मैं आपको बता देती हूँ, इस सारे में टू टू बने हुए हैं, 11 पेयर्स हैं। ओके लेट मी काउंट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, वेरी गुड। अच्छा ठीक है, 11 में कितने नंबर बनेंगे आपको आता है क्या? 2 11s का नहीं आता होगा ना, 11 का टेबल नहीं आता होगा, 22, वेरी गुड। हाँ तो 11 या 11 टूज कह सकते हैं, या तो आप ऐसे काउंट भी कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 22 नंबर्स ऑफ शूज हैं, ठीक है? 22 क्या है? नंबर्स, लेकिन पेयर्स 11 है, वेरी गुड। ओके लेट मी गो टू सूर्य प्रताप। सूर्य प्रताप आर यू देयर? सूर्य प्रताप ओपन योर माइक। यस बेटा, सो सूर्य प्रताप हाउ मेनी नंबर्स ऑफ सॉक्स आर देयर? मैम 6 सर। 6, वेरी गुड। एंड हाउ मेनी पेयर्स ऑफ सॉक्स आर देयर? 3, वेरी गुड, वेरी नाइस। सो वी कैन सी हियर दिस इज वन पेयर,
दिस इज टू पेयर एंड दिस इज थ्री पेयर. ओके क्लोज योर माइक. थैंक यू कियांशी. ओपन योर माइक. यस मैम. कियांशी इफ आई हैव टू आईज यू कैन सी. कैन यू सी माय आईज Kyanshi? Can you see? Yes. Okay. So I have two eyes, right? So how many pairs of eyes I have? One. Very good. Thank you. Okay, Ojas, open your mic. Yes, sir. Yes, I have 10 fingers, soldiers. 10 fingers, right? Yes. You also have 10 yes. fingers. I also have yes. 10 fingers, right? So how many pairs of fingers I have? 5. 5, right. So we'll make a pair. Sabko friend banayenge. 1, 2, 3, 4, 5. Phir se karte dekho. 1, 2, 3, 4, 5. Right? Very good. Suppose, okay, close your mic, gorgeous. Samarth is there. Samarth, are you there, beta? Samarth hai? Yes, ma'am. Yes, beta. So, suppose, Samarth, I have 10 fingers and 10 toes. Toes kise bolte hain? Batao, Samarth. Toes? Hmm. पैर की उंगलियों को. घुटने को नहीं, उंगलियों को, है ना? राइट. जो हमारे में जो हमारे फुट की फिंगर्स होती हैं उनको फिंगर्स नहीं बोलते, उनको टोस बोलते हैं. और जो हमारे हैंड की फिंगर्स हैं उनको तो हम फिंगर्स बोलते हैं. ठीक है, ठीक है, ओके. सबके लिए वही बात है जो भूल गए होंगे. राइट. सो समर्थ यू टेल मी, आई हैव 10 फिंगर्स एंड 10 टोस. ठीक है. So how many pairs of toes and fingers? Suppose आप भूल जाओ, toes भी मत बोलो, fingers भी मत बोलो. Suppose I have 20 chocolates, right? How many? 20. So how many pairs of chocolate I will be having? हाँ हाँ सोच लो, आराम से सोच लो. टू का टेबल पढ़ सकते हो आप. 20 जब आएगा तब मुझे बता देना कब आता है 20. 10. Yes, very good. 2 tens are 20. So 10 pairs, है ना? 10 names count. Very nice. Very good. Okay. Yuganshi, your turn. Ganshi? Yes, ma'am. Yes, Yuganshi. I have 16 tomatoes. Okay. How many tomatoes? 16. Right? So, how many pairs of tomatoes I'll be having? सब बच्चे सोचेंगे. ठीक है, मैं किसी से भी पूछ सकती हूँ, लेकिन माइक नहीं ऑन करेंगे. जो बच्चे स्मार्ट और अच्छे समझदार होंगे, क्योंकि योगांशी की चांस है तो उसको बोलने देंगे. 16 tomatoes I have, Yoganshi. So how many pairs of tomatoes I'll be having? Table padho 2 ka. Multiplication table. Aur 16 kab aata hai, dekho. Ma'am, 8. Very good. 2 8s are 16. So 8 times. So it means 8 pairs, right? Very nice, Yoganshi. Okay, now Shivansh. Shivansh, open your mic. Shivansh, are you there, beta? Say something. Yes, ma'am. Yes, beta. So, Shivansh, I have 4 bananas, right? How many pairs of bananas are you? 4. 4 to number hai. ठीक है, मेरे पास 4 बनानास हुए टेबल पे. सपोज पेयर्स कितने होंगे उसमें? 4 में पेयर्स कितने होंगे? मैम 8. नहीं, 2 का टेबल पढ़ो. 4 कब आता है? पढ़ो.
पढ़ो टू वन जे टू पढ़ो सुनाओ मुझे ये किसने बोला ये किसकी आवाज थी ओके अब सब लोग नहीं ऑन करेंगे राइट कोई बात नहीं हूँ भूल गया होगा मैं समझ गई थी वो सूर्य प्रताप की आवाज थी शिवांश आप पढ़ो टेबल शिवांश मुझे सुनाओ टू का टेबल कहाँ तक आता है आपको टू वन जा टू 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 जा फोर मैम टू 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 पेयर्स अच्छा ठीक है शिवांश एक और क्वेश्चन बता दो चलो मेरे पास 14 एप्पल्स भी रखे हैं 14 एप्पल्स है मेरे पास फ्रिज में तो कितने पेयर्स बनेंगे टू का टेबल पढ़ो फिर से जब तक 14 तक मत रुको स्टार्ट करो तो आ गया ना 14 14 आ गया ना शिवांश 14 तो आ गया है ना तो कितनी 2 7s आए इसका मतलब कितने पेयर्स होंगे 7 पेयर्स होंगे ठीक है शिवांश बेटा टेबल लर्न कर लो शिवांश ठीक है अभी आप भूल रहे हो देखो 2 का टेबल तो क्लास 1 के भी बच्चों को आता है हम सब कौन सी क्लास में पहुंच गए हैं 2 क्लास में आ गए ना एटलीस्ट सबको 10 तक आना चाहिए जिसको 5 तक लर्न है या 6 तक लर्न है वो धीरे धीरे लर्न कर रहे होंगे मैंने सबको बोला था कर रहे हैं ना सब लोग आपको भी करना है शिवांश नहीं बोलते ना प्रद्युत शिवांश कुछ बोल रहा है पहले उसकी चांस है बेटा अभी फिर मैं आपसे बाद में पूछूंगी शिवांश बोलो मैम मैं भूल गया था भूल गए थे कोई बात नहीं इसके लिए क्या करना पड़ेगा शिवांश जब हम भूल जाते हैं उसके लिए एक आइडिया है हम उसको लिख के देखेंगे डेली अपनी नोटबुक में आप टेबल लिख के देखा करिए एक दिन 2 से 5 तक लिख के देखा करिए और एक दिन 6 to 10 तक लिख के देखा करिए अगर आप छोड़ देंगे लिखना सपोज 1 week तक नहीं लिखेंगे तो भूल जाएंगे है ना आदित्य साहू हम भूल जाते हैं ना चलो आदित्य बताएगा सबको क्योंकि आदित्य ने तो क्लास 1 में ही 20 तक लर्न कर लिया था है ना आदित्य यस मैम फिर क्या हुआ था थोड़े दिन में फिर आप भूल गए थे ना जब आपने बीच में छोड़ दिया था उनका और लिखना भूल गए थे ना बीच में yes, ma'am. फिर अभी वापस से याद हो गया या अभी भूले हुए हो याद हो गया याद हो गया ना उसके लिए क्या किया आपने आपने क्या किया था याद करने के लिए प्रैक्टिस की होगी लिख के देखना होता है देखो सीक्रेट है आदित्य के पास उसने 20 तक लर्न किया हुआ है और सीक्रेट क्या है उसका उसने अपने क्लास के फ्रेंड्स को बता दिया है सीक्रेट अब आप लोगों को सीक्रेट को यूज करना तो कर सकते हो उसको लिख के देखना होता है जय आप लेट की क्लास अटेंड कर रहे हो जय आपको सोना है तो आप क्लास छोड़ के सो जाइए अगर सो जाइए बेड में कोई क्लास नहीं अटेंड करेगा कल से कोई भी बेड में बैठ के क्लास नहीं अटेंड करेगा और आप तो लेटे हुए हो जय बैठ जाओ चलो जल्दी से ओके आदित्य म्यूट कर लो माइक राइट सो लेट्स गो टू अब मैं राम से पूछूंगी राम की चांस नहीं आई बेचारा बहुत देर से बैठा हुआ है राम क्या शिवांश माइक ऑफ कर लीजिए और प्रैक्टिस करिए टेबल का ठीक है ना चलो अब मुझे पता है सारे बच्चे पेयरिंग कर सकते हैं है ना आदित्य ओके चलो आश्रय की चांस भी नहीं आई आश्रय रितेश आरव राम हाँ मैम पेयरिंग बहुत इजी होती है इजी होती है राइट लेकिन प्रैक्टिस करनी पड़ती है ना अगर प्रैक्टिस नहीं करें तो कुछ भी इजी नहीं लगेगा है ना राइट सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड एंड
Yes, this is tens and ones. इसमें भी थोड़ी सी गड़बड़ करते हैं, लेकिन मैंने उस दिन देखा आप सबको पढ़ाया तो सब सबको समझ में आ गया था, सबने करेक्ट आंसर दिया. तो हम पहले पूछेंगे राम से. राम माइक ऑन करिए बेटा. से यस मैम समथिंग. यस यस मैम. पहले हाँ यहाँ नाइन टेंस एंड दिस इज टू वंस ये लिखा हुआ है, ठीक है. बिकॉज ये देखो, अभी रुको मैं एक मिनट पहले आपसे क्वेश्चन पूछ लूँ फिर आंसर बताना, राइट. पहले आप क्वेश्चन तो सुन लो. देखो जब कोई नंबर है टू डिजिट नंबर है, ये नाइन एंड टू, सो ये क्या होता है, दिस इज कॉल्ड टी फॉर टेंस एंड ओ फॉर वंस. हम कभी भी दो नंबर के उसमें डिजिट में हमेशा ऐसे लिखते हैं टी ओ. टीओ का मतलब टेंस एंड वंस, राइट. सो यहाँ पे अब आप देखो टी किसके नीचे ऊपर लिखा हुआ है, नाइन के नीचे. तो कितने टेंस है यहाँ पे, नाइन टेंस, राइट एंड टू वंस. नाउ आप बताओ मुझे राम 27 में कितने टेंस है और कितने वंस है. बेटा और किसी को बोलो, आवाज आ रही है जो भी आंसर कर रहा है, आप बताइए. आपको नहीं आता तो मैं आपको बताऊंगी, बाकी पेरेंट्स बाद में भी पढ़ा सकते हैं क्लास के. आप गलत बताओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर कोई और है उसकी आवाज भी आ रही है. मैम टू. ठीक है मैम. टू क्या है, टू टू क्या है राम, टू टेंस है ना, ओके. और वंस कितने होंगे, सेवन यहाँ पे, सेवन. ठीक है, जब भी आपको कंफ्यूजन हो तो आप ऐसे लिख के देख रख लिया करो टी और यहाँ पे ओ. तो जब ओ है इसका मतलब वंस है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे सेवन वंस. ओके गुड, माइक ऑफ कर लो. राइट नाउ आश्रय. आश्रय in 54 how many tens and how many ones are there, you have to tell me. Yes beta, yes and four ones. Very good. Achha, theek hai. Achha, aap mujhe batao in 11 how many ones are there. Abhi tens nahi pooch rahi hu main, how many ones are there in 11. One. And how many tens? One. One. Very good. Okay. अच्छा ठीक है, टेन में कितने टेंस होते हैं, टेन में अगर सपोज मैं यहाँ लिखू वन जीरो, ठीक है, तो कितने टेंस है और कितने वंस है आश्रय. One tens है. Very good. Zero ones. Very good. Okay. Mute your mic, beta. Now next is Ritesh. Ritesh. Yes, ma'am. How many tens and ones are there in 13? Three tens. And ones? Two. Two. Eight. Two. हाँ ध्यान से करो, जल्दी नहीं करना, एक बार आप जल्दी से कर लीजिए. ओके आई गो कर मैम. ओके हाँ कौन ये मैम, मैम कौन कर रहा है, प्रीतम क्या बन गया, हु इज दिस गुड, नाम तो बताओ बेटा. मैम कैसे कर रहे हैं, कनिष्का. ओके कनिष्का एक मिनट. हाँ आप ही माइक आवाज रिपीट होने लगी. चलो ठीक है कनिष्का, आप बताओ 63 में हम भी फैमिली में बनता है. 6 टेंस है और 3 वंस है. वेरी गुड. नाइन नाइन गुड गर्ल. ओके थैंक यू माय फ्रेंड. ओके आई थिंक कनेक्ट अभी माइक ऑफ नहीं हुआ आपका. हाँ बेटा आपने मुझसे नहीं पूछा. आप किससे नहीं पूछा, मैंने अभी अभी मैं पूछ रही हूँ, अभी खत्म नहीं हुई क्लास.
अनन्या से भी पूछूंगी। चलो अनन्या की चांस ले लेते हैं। 79 में हाउ मेनी टेंस एंड हाउ मेनी वंस आर देयर अनन्या? सेवन टेंस है एंड नाइन वंस कितने हैं? नाइन वंस है। वेरी गुड, अनन्या को तो आता ही है वैसे भी सब, मैथ्स में तो बहुत अच्छी है अनन्या, मुझे पता है ना अनन्या। अच्छा अनन्या आप बताओ मुझे, अगर मेरे पास 30 नंबर है ठीक है, सो हाउ मेनी टेंस एंड हाउ मेनी वंस आर देयर? 30 में कितने, ये जीरो है, थोड़ा आइसक्रीम जैसे बन गया। ओके हाँ, सो हाउ मेनी टेंस? 30। बेटा आपकी आवाज ब्रेक होके आ रही है मुझे, अनन्या आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है, आवाज आपकी कट कट के आ रही है अनन्या, फिर से बोलो एक बार, फिर से बोलो अनन्या। थ्री हाँ, वंस कितने हैं? वंस कितने होंगे बेटा? वंस नहीं, टेंस थ्री है ना, 30 में 3 टेंस होंगे और वंस जीरो, राइट, वेरी गुड। ओके क्लोज माइक बेटा, राइट, करेक्ट आंसर, राइट, यू हैव अंडरस्टूड, मुझे पता आपको समझ में आ गया। ठीक है अभी आरव से पूछ लेते हैं, आरव और जिससे नहीं पूछा मैं पूछ लूंगी, डोंट वरी, आप टेंशन मत करो। आरव यस, नाउ यू कैन फिल इन द ब्लैंक्स बॉक्स, हियर इट इज रिटन 1 tens + 4 ones। अभी हम जैसे जो क्वेश्चन किया उसका उल्टा वाला क्वेश्चन करेंगे, है ना, तो आपको नंबर्स तो पता है, सॉरी आपको नंबर्स तो पता है यहाँ पे, लेकिन आपको उसको ऐड करके लिखना है। सो 1 tens + 4 ones इज इक्वल टू व्हाट विल बी द नंबर, यहाँ पे हम 1 लिख देते हैं और यहाँ पे 1 tens का क्या मतलब होता है आरव? आरव 1 tens का मतलब बताओगे आप मुझे, कौन सा नंबर होगा? नहीं पता। अच्छा कोई बात नहीं, मैं बताती हूँ, जब टेंस लगा होता है ना बेटा तो जीरो होता है उसका मतलब, टेंस का मतलब यहाँ पे और यहाँ 1 है, तो 1 tens का मतलब 1 और 0 मतलब कि 10, ठीक है, और 4 ones का 4 ओनली, जो 1s होता है वो 4 होगा। जैसे अगर हम इसका वो बनाए, ड्रॉइंग करें, तो हम एक बंडल बनाते थे जिसमें हमने लास्ट टाइम स्टिक्स रखी थी और उसमें हम कितनी स्टिक्स डालते थे, 10 sticks, ठीक है ना, बंडल ऑफ 10 बोलते थे, ऐसे ऐसे करके हम उसमें 10 रख लेते थे और ड्राइंग भी करते थे हम अपनी कॉपी में, मैथ्स कॉपी में, राइट, फिर इसको एक बंडल बना लिया, ये हो गया 10, तो हमारे पास 1 tens है, इसका मतलब 1 बंडल बनाएंगे, और अगर 4 ones है तो हम छोटे छोटे जो कॉइन्स होते थे या छोटी ये स्टिक्स ही मान लो, वो सिंगल सिंगल कितनी होंगी हमारे पास, 4 होंगी, राइट, ये हो गया इसका पिक्चर। आप पिक्चर भी बना के प्रैक्टिस कर सकते हो ताकि ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो जाए, आगे की क्लास में भी जब होगा तो आपको अभी से सेकेंड क्लास में क्लियर हो जाना चाहिए। तो 1 tens means 10, राइट, एंड 4 ones means 4, ones का हमेशा नंबर वही आएगा जो भी है, क्योंकि ones ही होता है उसमें, और tens में 0 लग जाता है, ठीक है, तो 1 ten तो मतलब 1 में 0 लग गया, इसका मतलब 10, सो 10 + 4 कितना होता है आरव? आरव 10 + 4 करके बताओ जल्दी से, आरव फॉरवर्ड काउंटिंग करिए ना 4 times 10 से, भूल गए क्या एडिशन? 15 नहीं, 15 नहीं होता, देखो 10 है आपके पास और 4 और ऐड करना, तो 11 से काउंट करो 4 times 11 12 13 14, इसका मतलब आरव आप भूल रहे हो, पढ़ाई नहीं कर रहे हो बिल्कुल, क्योंकि आपकी मैथ्स तो अच्छी थी, है ना, बिल्कुल नहीं कर रहे हो पढ़ाई, इसका मतलब टेबल कहाँ तक लर्न किया आरव बताओ, कहाँ तक अभी आता है, पहले लर्न किया तो वो मत बताना, जहां तक अभी याद है,
ताकि मैं भी पूछ भी सकूं आपसे। चलो जल्दी से बताओ, कोई बात नहीं, अगर टू तक आता है थ्री तक आता कोई प्रॉब्लम नहीं, पर बताओ मुझे कहाँ तक आता आ रहा। चलो ठीक है, नहीं बताना है, कल नेक्स्ट टाइम दूंगी मैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक याद कर लेना, ठीक है? ओके चलो ठीक है, अभी मैं पूछ लेती हूँ, देख लेती हूँ किससे नहीं पूछा है। मैम मुझे आपसे कुछ पूछना था। बेटा लास्ट में पूछोगे, जब मैं आपसे पूछूंगी तब किसको कुछ पूछना है तब पूछोगे, या भी पूछना है प्रद्युत पूछ लो फिर। मैम जब मैं प्लेग्राउंड में खेल रहा था ना, तो आराम मम्मी टॉय गन लेके मुझे मार रहा था। अच्छा तो ठीक है बेटा, लेकिन अभी हम पढ़ाई कर रहे हैं तो ये वाली बात लास्ट में भी कर सकते हैं ना प्रद्युत, है ना, पढ़ाई के बीच में नहीं करनी है ना ये वाली बातें, ठीक है? इसका मतलब आप लोग प्ले ग्राउंड जा रहे हो, अभी भी जा रहे हो क्या प्ले ग्राउंड? नो मैम। ओके चलो ठीक है, अभी अभी पूर्वांश से नहीं पूछा मैंने, अभी बीच में डिस्टर्ब नहीं करो, ठीक है? अभी हम पढ़ाई जल्दी से कंप्लीट कर लेते, टाइम होने वाला है, बस एक मिनट बचे हैं। राइट सो पूर्वांश माइक ऑन करिए बेटा। कर लिया। ओके बेटा। Yes, हाँ चलो पूर्वांश, थ्री टेंस इज इक्वल टू व्हाट? थ्री टेंस का क्या मतलब होता है मुझे बताओ। 30 वेरी गुड, थ्री टेंस का मतलब 30, जब भी टेंस आएगा आपको उसके साथ उसी नंबर के साथ जीरो लगा देना है, तो थ्री है, थ्री के साथ जीरो लगेगा तो 30 हो जाएगा। एट टेंस क्या होगा बेटा? 38 एट वंस का क्या मतलब होगा? 80 होगा, है ना? एट वंस को क्या लिखोगे आप? एट। अब 30 प्लस 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 38 ठीक है, राइट वेरी गुड। कियांशी माइक ऑन करो। कियांशी टू टेंस प्लस 7 वंस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टू टेंस? टू टेंस मीनिंग 20. Very good. Two tens means 20, right? And seven ones means which number? Seven only. Very good. So 20 plus 7 is equal to? 27. Very nice. Very good. 27, right. Good girl. Now, Kanishka Agrawal. माइक ऑन करो बेटा और बताओ, 1 टेंस प्लस 9 वंस। अनिष्का आर यू देयर? यस यस, 1 टेंस इज इक्वल टू, वन टेंस इज इक्वल टू 10, ठीक है? ओके कनिष्का, 9 टेंस मींस 9 वंस मींस 9 ओनली, ठीक है? ये वाली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आज सबको, ओके? तो 10 प्लस 9 इज इक्वल टू हाउ मच कनिष्का? 19 है ना? राइट सो डू प्रैक्टिस टुडे, ओके? हाँ बेटा बोलो। मैम जो नंबर पहले टेंस में लिखा होता है उसमें अपन को जीरो लगाना चाहिए। हाँ जीरो लगाने चाहिए और वंस में सिर्फ वो नंबर आ जाएगा, ठीक है? ओके यस ओके चलो सूर्य प्रताप, सूर्य प्रताप यस मैम, यस मैम, दिस फोर टेंस
Yes, beta. Tell me, 4 tens is equal to what? 4 tens ko kya likhenge hum? 40. Very good, 40. Hai na? Kyunki tens mein hamesha 0 lag jayega. And 2 ones ka matlab kya ho jayega? नहीं टू वंस का मतलब टू ही होगा टू वंस का मतलब टू होगा है ना ओके अब 40 प्लस 2 इज इक्वल टू हाउ मच 42 यस 42 लास्ट में आपको एडिशन करना है ओके राइट ओके सो कर्णिका ओपन योर माइक क्लोज योर माइक सूर्य प्रताप एंड दिस इज लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम कर्णिका कर्णिका ओपन योर माइक यस मैम Yes, beta, 5 tens means what number will come? Ma'am, 50. 5. Very good. 5 tens means 50. And 3 ones means? 3. 3, right. So 50 plus 3, how much? 53. Very good. 53. Very easy, na? When we add any number with. Any number which is having 0, like 10, 20, 30, 40. अगर हम इस number के साथ कोई number plus करते हैं, जैसे 10 plus 5, तो क्या होगा? 15. 20 plus 6, 26. 30 plus 2, 32. 40 plus 3, 43. Right? हाँ, अच्छा, हाँ, गतिक है क्या? गतिक है? Yes, ma'am. Okay, गतिक. Sorry, आप भूल गए मुझे दिखे भी नहीं ना. मैं भूल गया. ओके ओके ठीक है गतिक क्या बता दो 1 टेंस प्लस 4 वंस व्हाट विल राइट गतिक 1 टेंस मींस 10 वेरी गुड एंड 4 वंस 4 वेरी नाइस नाउ 10 प्लस 4 14 एक्चुअली इट इज 14 राइट जब हम 40 लिखते तब और जब हम 14 लिखते हैं तो उसको क्या बोलते हैं गतिक 14 ठीक है ये हमेशा याद रखना ये हमेशा हमें बोलना आना चाहिए हम बोल तो देते हैं बट बहुत से लोग गलत बोलते हैं दिस इज 40 बिकॉज इसका नंबर नेम क्या होता है FORTY फॉर टी बट इसका क्या होता है 14, FORTEEN, 14, right? So, that is, yeah, this is the last question, pattern. So, this you have to do. Yesterday, we already done the practice. 2, 4, 6. Sirf aapko yahan tak karna, beta. Ek minute, main line khinch deti hu isme. Yahan tak. Matlab ki two lines, two fill karne, pura nahi fill karna, theek hai? Yahan tak. ये नहीं करना इधर का पार्ट नहीं करना क्योंकि बहुत सारा है तो आप इतना ही कर लो तो काफी है 2 4 6 टू का टेबल पड़ रहा है 2 1 2 2 2 4 2 3 6 आएगा 8 5 10 ऐसे करके आपको अलग अलग चीजें करनी हाँ बेटा आप व्हाट्सएप पे भेजोगे यस मैं व्हाट्सएप पे भेज दूंगी ठीक है डोंट वरी थैंक यू दिस वाज फ्रॉम टुडेस क्लास चिल्ड्रन लेट मी कम बैक टू यू एंड वी विल डू शांति पाठ राइट सो सिट स्ट्रेट एवरीवन मैम हमने कहा था कि Close your eyes. Let's just shine.
Somebody is asking any question. She is asking. Okay. So, sab log leave kar lo jisko. Ek minute. Ya to fir aap mic off kar lijiye. Who is asking a question? Yes, Kyanshi, bolo. Kisko question puchna tha? Kyanshi ko ma'am. अच्छा ठीक है. कियांशी कहाँ गई, दिख तो नहीं रही मुझे. कियांशी पूछो बेटा.